हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर का सोलर सेल टॉपिक। ठीक है, ये एक आता है स्पेशल पर्पस डायोड में। इससे पहले हमने पढ़ा है फोटो डायोड और एलईडी। फोटो डायोड क्या करता था, हमारा लाइट एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता था। उसके उल्टा एलईडी था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन लाइट में करता है। तो अभी ये क्या करता है हमारा सोलर सेल, इस सोलर सेल का काम वही है जो फोटो डायोड का था। ये भी क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द लाइट एनर्जी, इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सोलर मतलब सन है ना, तो सोलर की एनर्जी का यूज करके, मतलब लाइट एनर्जी का यूज करके क्या करेगा, वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा। तो फोटो डायोड और इसमें ज्यादा डिफरेंस है क्या, तो वर्किंग मतलब जो उसका एम है उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन फोटो डायोड जब हम पढ़ रहे थे तो फोटो डायोड को हमें रिवर्स बायस करना पड़ता था। यहाँ पे सोलर सेल को कोई हम बायसिंग वोल्टेज नहीं लगा रहे, सोलर सेल खुद हमें वोल्टेज प्रोड्यूस करके देगा या करंट प्रोड्यूस करके देने वाला है। तो ये फोटो सेल सोलर सेल काम कैसे करता है, उसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, एप्लीकेशन क्या क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, वो है उसको फोटोवोल्टाइक सेल, इसको ये भी बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे काम करता है। अभी फोटोवोल्टाइक इफेक्ट मतलब क्या, फोटो फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट। ठीक है, तो फोटोन मतलब लाइट से क्या प्रोड्यूस करना, वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला हमारा सेल, उसको बोलते हैं सोलर सेल। तो इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो इसका जो साइज है ना वो वेपर जितना है, कौन सा हमारा चिप्स जो होता है उसके वेपर जैसा। ये जो पूरा सोलर सेल मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये वाला और ये वाला, इसको अगर सामने से देखोगे तो बस उसकी जो थिकनेस होंगी वो बस इतनी सी होंगी। लेकिन समझाने के लिए अपन ने उसको इतना बड़ा थिकनेस ड्रॉ करा है। ठीक है, तो उसको कंपेरेटिवली हम पढ़ते हैं। ये क्या है, दिख रहा होगा आपको, पी है, एन है। ठीक है, तो एक सिलिकॉन पी एन जंक्शन डायोड लेते थे, या फिर कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसका नाम है गैलियम आर्सेनाइड। अभी वही क्यों लेते हैं हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सिलिकॉन डायोड क्यों चलता है, उसके बाद में गैलियम आर्सेनाइड ही क्यों यूज करते हैं, वो सब लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पी है, एन है, मतलब पी एन जंक्शन है, डायोड है। सही है, तो अभी कंपेरेटिवली पढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में, अगर ये आपका पी है, पी का एरिया इतना बड़ा है, एक्चुअली टोटल सोलर सेल इतना ही होता है थिकनेस। अभी इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जा रहे हैं, इसको बड़ा कर, तो इसके अंदर जब जाओगे तो आपको दिखेगा ये इतना बड़ा होता है पी वाला पोर्शन, ये पी वाला पोर्शन जो है इतना बड़ा। नीचे होता है एक कॉपर का प्लेट, नीचे होता है एक कॉपर का प्लेट, क्यों, चार्ज कैरी करने के लिए। ठीक है, और अभी इसके ऊपर हमने एन टाइप सब्सट्रेट लगाया नहीं है, एन टाइप मटेरियल लगाया नहीं है, तो ये पूरा सरफेस क्या है, लाइट को एक्सपोज है। अभी हम क्या करेंगे, इस पे ये एन टाइप मटेरियल ऐसा बिठा देंगे। ठीक है, ऐसा बिठा तो अभी क्या बन गया, ऊपर एन है, नीचे पी है, ये बीच में क्या बन गया, बीच में बन गया जंक्शन सारी साइड से। ये पी है उस पे एन बिठाया, इतना पी है उस पे इतना एन बिठाया, ऐसा पूरा एक्सटेंड है पीछे तक 3D में। तो क्या बन जाता है, एक पीएन जंक्शन बन जाता है। अभी पीएन जंक्शन में ढंग से देखोगे तो पी का एरिया या उसका साइज बोलो तो बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन एन का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। अगर एक्चुअल वैल्यू इसकी देखा जाए तो ये है 0.3 माइक्रोमीटर, ढंग से क्या है 0.3 माइक्रोमीटर, और ये है 300 माइक्रोमीटर। मतलब इसका जो विड्थ है पी का, वो पी का विड्थ एन के विड्थ से 1000 गुना ज्यादा है। ठीक है, 300 माइक्रोमीटर को 0.3 माइक्रोमीटर से डिवाइड करो, 1000 आएगा। सही है, तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है। इतने से में एन जो है वो आपका कितना माइक्रोमीटर का है, 0.3 माइक्रोमीटर, और बाकी बचा हुआ कौन है आपका, 300 माइक्रोमीटर का पी टाइप है। अभी एन टाइप जो है वो स्मॉल क्यों होता है, वाई एन इज थीन, थीन क्यों होता है, तो देखो हमें लाइट जो इंसिडेंट कर ली ना, ये दोनों के कॉन्टेक्ट पे, दोनों के कांटेक्ट पे क्या बनता है, जंक्शन बनता है, और जंक्शन तक हमें लाइट पहुंचानी है। अगर हमारा एन टाइप बड़ा हो गया तो लाइट को ज्यादा पेनिट्रेट करना पड़ेगा जंक्शन तक जाने के लिए,
अगर लाइट को ज्यादा पेनेट्रेट करना पड़ेगा जंक्शन तक जाने के लिए, तो बाकी की लाइट एनर्जी ऐसी ही वेस्ट हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी लाइट की। तो लाइट की एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, और जो पूरी लाइट आ रही है वो लाइट पूरी की पूरी कहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे जंक्शन तक पहुंचे, ठीक है, इस पूरे जंक्शन तक क्या होनी चाहिए, लाइट में पहुंचनी चाहिए। अगर इतना मोटा रहेगा एन, तो बाकी की लाइट को क्या हो जाएगा, बाकी की लाइट की एनर्जी कम हो जाएगी। तो लाइट जंक्शन तक जाए, जंक्शन तक रीच हो लाइट, इसके लिए हम क्या करते हैं, एन वाला जो पोर्शन है, एन वाला पोर्शन बहुत ही थीन रखते हैं, ठीक है, रीजन समझ में आ गया होगा, ताकि लाइट रीच होनी चाहिए कहां तक, जंक्शन तक। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एन टाइप होता है, एन टाइप को हम बहुत ही बहुत ही बहुत ही थीन रखते हैं, सही है। उसके बाद में क्या करते हैं, जो एन टाइप है एंड पी टाइप है, दोनों को मेटल कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, मेटल कॉन्टैक्ट्स। अभी ऊपर देखना, और एन टाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है, एन टाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है, या फिर उसको बोलेंगे अच्छे वर्ड में कोटिंग, क्या होती है, कोटिंग। कोटिंग क्यों उसको बोलते हैं, वो है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्शन। लाइट आएगी ना तो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करने देगी, ठीक है। और एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का एक और काम है कि वो सिर्फ वो कोटिंग की वजह से, वो कोटिंग सिर्फ वही लाइट पास करती है जो इंफ्रारेड ना हो, जो इंफ्रारेड मतलब हीट ना हो, क्योंकि क्या है, ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अगर सेमीकंडक्टर डिवाइस पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है कम हो जाता है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस का जो काम है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हमें ऐसा देखना है कि हीट रीच ना हो, जंक्शन तक हीट रीच ना हो। और हीट का सोर्स कौन है हमारा, सोलर है, सन है। तो सन से जब रेडिएशन आते हैं तो उनके अंदर हीट भी होती है, तो हीट रोक के बाकी की लाइट को पास करने का काम कौन करता है, ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करता है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करता है। और जो बाकी की लाइट अंदर आती है उसको भी ऐसे बाहर नहीं जाने देता है, क्योंकि आने वाली लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो गई तो ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी जंक्शन में, ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी जंक्शन में तो जंक्शन वाला काम नहीं होगा। अभी जंक्शन वाला काम क्या होता है मैं बताता हूँ। तो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का भी काम आपको समझ में आ गया होगा, पहला हीट को रोकना मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस को रोकना, और जो आई है जो जंक्शन तक पहुंची है लाइट उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। उसके बाद में एन टाइप और पी टाइप, इन दोनों को मेटल कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। पी टाइप में क्या होता है, नीचे एकदम प्योर कंडक्टर मतलब कॉपर की क्या लगाई जाती है, स्ट्रिप लगाई जाती है जो चार्ज कैरी करेंगे, कब मैं बताता हूं। और ऊपर जो है, जैसे आप स्ट्रिप लगाई है वैसे ऊपर भी लगा सकते थे, वैसे ऊपर भी लगा सकते थे। अब ये जो स्ट्रिप है ये पूरे सरफेस पे है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप है ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, पूरी है, ठीक है, और नीचे भी है, नीचे भी, ठीक है। लेकिन ऊपर जब हम एक मेटल कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो मेटल कॉन्टैक्ट को इस तरीके से बनाते हैं, ये मेटल की कंघी है, कॉम्ब है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे स्ट्रिप लगाई है हमने पी साइड पे, वैसे ही ऊपर भी लगा सकते थे। मान लो ये है हमारा पी टाइप, उसके ऊपर है हमारा एन टाइप, और इस एन टाइप के ऊपर मैंने मेटल की स्ट्रिप लगा दी, पूरा इसको ढक दिया मेटल से। लेकिन अगर जैसे ही हम इस मेटल से ढकेंगे तो ऊपर से जो लाइट आएगी, लाइट तो इतनी ताकत नहीं होती है लाइट में, सनलाइट में, कि वो क्या करेगी, इस मेटल को पेनेट्रेट करके जंक्शन तक पहुंचे, ऐसी लाइट की एनर्जी नहीं होती है। लेकिन लाइट हमको कहां तक पहुंचाना है, लाइट को हमें जंक्शन तक पहुंचाना है। अगर ऊपर से लाइट आ रही है और एन सबस्ट्रेट के ऊपर का, एन टाइप के ऊपर अगर हमने पूरा मेटल लगा दिया तो मेटल लाइट को अंदर जाने ही नहीं देगी, जंक्शन तक लाइट हमारी पहुंचेगी ही नहीं, तो फिर जंक्शन वाला काम नहीं होगा। लेकिन कॉन्टैक्ट तो बनाना है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां पे बनेंगे जंक्शन पे, उन इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है। किसमें से फ्लो कराना है, उनको फ्लो कराएंगे हम लोड रेजिस्टेंस से, या फिर रेजिस्टेंस लगा देंगे। बैटरी होंगी तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, एलईडी होंगी तो एलईडी जल जाएगा, स्पीकर होगा तो स्पीकर जल जाएगा, जो कुछ जो भी आउटपुट चाहिए, ठीक है। ये जो ज्यादा है हमारे जो स्ट्रीट लैंप होते हैं ना, उनमें यूज होता है सोलर से, दिन में चार्ज होता रहता है, रात में
वही चार्जिंग होने के बाद हमको लाइट देता है। सही है, बहुत जगह पे सोलर सेल का काम है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है इसके लिए, वो आगे। लेकिन जो है, जो भी चार्जेस है, जब चार्जेस हमारे इस लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो हो गए तभी करंट बोलते हैं, पर करंट बनेगा तो वोल्टेज बनेगा। ठीक है, इसके अक्रॉस हम अगर आउटपुट लेना है कोई डिवाइस, चार्ज करना है को, किसी को बैटरी को, तो रेजिस्टेंस को लगा के छोड़ के बैटरी लगा दो, चार्ज हो जाएगा, वोल्टेज प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए चार्ज खींचना जरूरी है, और चार्ज हम कहां से खींचते हैं, जंक्शन से। अभी कैसे खींचेंगे ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की होता है, अगर पूरी मेटल स्ट्रिप चढ़ा देंगे ऐसी, तो लाइट जंक्शन तक रीच नहीं होगी, जंक्शन का काम नहीं होगा, तो जंक्शन का काम नहीं होगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन कॉन्टेक्ट भी तो जरूरी है, कॉन्टेक्ट बनाना भी जरूरी है, तो ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यह है N टाइप वाला मेटल कॉन्टेक्ट, यह है हमारा P टाइप वाला मेटल कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो N टाइप मेटल कॉन्टेक्ट से P टाइप तक हमारा इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा। सही है, और करंट जो भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी वो जाते जाते इस रेजिस्टेंस को दे जाएगा, रेजिस्टेंस को एनर्जी देगा, तो जो लोड जिस भी तरह का हो, वोल्टेज वाला हो तो वोल्टेज प्रोड्यूस कर लेगा, करंट पे चलता हो तो करंट की वजह से जल जाएगा या फिर काम करने लग जाएगा। ठीक है, ये जो होता है पूरा एरिया जो है टॉप का, उस एरिया में सिर्फ इसको 15% रखा जाता है, क्योंकि जितना भी एरिया इस कॉम्ब ने, ठीक है, इस कॉम्ब ने जितना भी एरिया कवर करा हुआ है, उस एरिया के नीचे जितना भी जंक्शन का पोर्शन है वहां तक लाइट रीच नहीं होती है। लेकिन जरूरी है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये जो है, ये जो कॉम का ये वाला है दांत, इसके नीचे जंक्शन के नीचे लाइट नहीं होगी, तो लाइट वाला जो है ये 15% होता है, 15% एरिया हमारा ये मेटल कॉन्टेक्ट ले लेता है, उतना कॉम्प्रोमाइज चलता है। अभी वर्किंग क्या होगा, ठीक है, हाँ, और ये जो एन टाइप वाला मेटल कॉन्टेक्ट है इसको बोलते हैं फ्रंट कॉन्टेक्ट, और नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं बैक कॉन्टेक्ट और रियर कॉन्टेक्ट। ठीक है, नाम याद रखने का जरूरत है नहीं, लेकिन एन टाइप कॉन्टेक्ट जो है उसको बोलते हैं फ्रंट कॉन्टेक्ट, और जो पी टाइप कॉन्टेक्ट है नीचे मेटल का उसको बोलते हैं बैक कॉन्टेक्ट या रियर कॉन्टेक्ट। सही है, अभी याद है वर्किंग में। ठीक है, देखो वर्किंग में क्या होगा, वर्किंग में हमारी लाइट इंसिडेंट होगी, हमारी लाइट इंसिडेंट होगी, पेनेट्रेट करेगी कोटिंग को, कोटिंग को पेनेट्रेट करने के बाद जंक्शन पे आएगी। अब यहाँ पे आओ, ये पी है, ये नहीं, देखो मैंने पी यहाँ पे बड़ा बताया है, एम छोटा बताया है, ये जो है ये वाला, ये है मेटल बॉन्ड, ये जो है ये वाली, ये है मेटल स्ट्रिप। ठीक है, अगर इस सोलर सेल को ऐसा घुमा के सामने से देखोगे तो ये है उसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलो लाइट आएगी, लाइट कहाँ पे आएगी, जंक्शन पे, जंक्शन पे क्या बना होता है, जंक्शन पे हमारा डिप्लीशन लेयर बना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिप्लीशन लेयर होता है ऐसा, और डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइन हो चुके होते हैं, और कंबाइन हो के क्या बन जाते हैं, वो न्यूट्रल एटम्स बन जाते हैं। तो ये है हमारा डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये है हमारा डिप्लीशन लेयर, मान लो यहां से इतना एन है, ठीक है, और ये यहां से इतना क्या है, डिप्लीशन लेयर है, पी टाइप पोर्शन है यहां से इतना, ठीक है, इतना, और एन टाइप है यहां से इतना, और दोनों के आजू बाजू थोड़ा थोड़ा क्या है, डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर पे हम क्या इंसिडेंट कराते हैं, इस डिप्लीशन लेयर पे हमारी लाइट इंसिडेंट होती है। अभी डिप्लीशन लेयर पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी, जो इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो चुके हैं, मान लो ये एटम है, इसमें मान लो ये चार इलेक्ट्रॉन है, सही है, एक एटम के पास चार होते हैं कॉइल, तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, ये जो लाइट के अंदर फोटोन होता है, फोटोन के पास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जैसे ही इतनी एनर्जी वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन पे आता है, और अगर ये एनर्जी काफी है इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और होल, और इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से एनर्जी लेके वो किधर आ गया, वो बाहर आ गया। तो जो पहले न्यूट्रल एटम था, लाइट जैसे ही उस पर आएगी हमको क्या मिल जाएगा, एक होल मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा सेपरेट,
मतलब एक होल चार्ज कैरियर मिल गया और इलेक्ट्रॉन भी क्या मिल गया, एक चार्ज कैरियर मिल गया। तो यहां पे होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ने, दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सेपरेट किसने करे, लाइट ने करे। लाइट ने कैसे करे, फोटोन भेजा, फोटोन इंसिडेंट हुआ, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन टूट गया। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल जैसे ही टूटते हैं, उन दोनों की टेंडेंसी क्या, होल पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो ये दोनों एक दूसरे से वापस कंबाइन होने का ट्राई करेंगे, कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इसका काम शुरू होता है, इस कॉन्टैक्ट का और इस कॉन्टैक्ट का। जैसे ही इलेक्ट्रॉन टूटेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये वाला कॉन्टैक्ट एकदम प्योर कंडक्टर होता है, सिलिकॉन जो है वो सेमी कंडक्टर है, सिलिकॉन कंडक्टर नहीं होता। तो ये कॉन्टैक्ट का काम है, जैसे ही इस जंक्शन से, जैसे इस जंक्शन से कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, उस इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम, उस इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब करने का या फिर कंडक्ट करने का, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेडी हो जाएगा छूट के, उसको खींचने का काम कौन करता है, ये कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही इस जंक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ है उसको ये जो कॉन्टैक्ट है ये खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींच के कहां पे चला जाएगा, एन में ही, एन में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पोर्शन है, एन वाला। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयरने से इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट हो जाएंगे, इस कॉन्टैक्ट की वजह से, इस कॉन्टैक्ट की वजह से तुरंत वो इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन खींच के बाद में इसके थ्रू, ये वायर के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू किधर जाएगा, इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर की इंट्रिंसिक फील्ड है, यहाँ की जो अंदर की इंट्रिंसिक फील्ड है, वो इंट्रिंसिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगी। इधर आने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रेजिस्टेंस है, ज्यादा रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे क्या बनता है, प्लस प्लस बनता है, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, तो यहाँ पे ये निगेटिव वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देगी। और ये तो भाई रेडी बैठा है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते ही ये वाला कॉन्टैक्ट क्या कर लेता है, उसको खींच लेता है। तो ये खींचा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपल सा रास्ता कौन सा है, इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपल सा रास्ता है, इसमें से जाओ, और ऐसा रास्ता लंबा है, लेकिन उस रास्ते पे रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। ये रास्ता छोटा है लेकिन इस रास्ते पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन या फिर जो करंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो जाएगा उसको करंट बोलते हैं। करंट हमेशा सॉरी लो रेजिस्टेंस पाथ को चुनता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को लो रेजिस्टेंस कहां पे मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे होल से सारे, इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस कंडक्टिंग प्लेट के थ्रू बाद में वायर के थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। तो ये पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव खींच लेता है, या फिर ये कंडक्टिंग प्लेट खींच लेती है, सॉरी ठीक है। तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन खींच के ऐसा चला जाएगा और कन्वेंशनल करंट हमारा ऐसा फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब ऐसा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी। अभी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कैसे होगी, क्योंकि अभी उसने फोटोन से एनर्जी एब्सॉर्ब करी है, फोटोन से एनर्जी एब्सॉर्ब करी है। तो जैसे ही वो यहां से निकलेगा, उस एनर्जी के साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी है उसके पास, जैसे ही रेजिस्टेंस तक आएगा, रेजिस्टेंस के अंदर वो अपनी एनर्जी डिसिपेट कर देगा, मतलब वो अपनी एनर्जी रेजिस्टेंस को दे देगा और बाद में आगे जाके इधर चला आएगा, ठीक है। ऐसा कंटिन्यूस होता रहेगा क्योंकि लाइट कंटिन्यूस हीट होती रहेगी, गिरती रहेंगी जंक्शन पे, इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट सेपरेट होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को ये कॉन्टैक्ट खींचता रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे लोड रेजिस्टेंस में जाते रहेगा और जाते जाते रेजिस्टेंस को अपनी एनर्जी दे देगा। तो लोड पे जो भी लगाया है, बैटरी लगाया तो बैटरी चार्ज, एलईडी लगाया तो एलईडी जल जाएगा, सही है, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है, हमें लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, सही है। तो यही है हमारा सोलर सेल का वर्किंग, ठीक है। ये कॉपर प्लेट भी जो है वो कॉन्टैक्ट का काम करती है, ये कॉन्टैक्ट कॉपर प्लेट के थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव रीच होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा खींचा चलाता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी दे देगा, सही है। इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक ही कैरेक्टरिस्टिक है जिसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो करा रहा है वो सोलर सेल करा रहा है, ऐसा।
ये है वीओसी, ये है आईएससी, इधर होता है वोल्टेज, इधर होता है करंट। अब ये प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों को समझती है नहीं। मान लो ये लोड कनेक्टेड है नहीं, लोड कनेक्टेड नहीं, तो ये सर्किट क्या हो गया, ये सर्किट हो गया ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, ओपन सर्किट। ठीक है, सर्किट ओपन हो गया है, लेकिन लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है। लाइट इंसिडेंट हो रही है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन या कंडक्टर पे जम जा रहा है क्योंकि आगे वो जा नहीं सकता, सर्किट ओपन है। इलेक्ट्रॉन होल्स यहां से निकल के यहाँ पे जम जा रहे हैं, यहां से इधर जा नहीं सकते क्योंकि ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो वायर है ये ओपन है, किधर ज्वाइन नहीं है एक दूसरे को। ऐसे होते हो क्या हो रहा है, चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इधर बहुत सारे निगेटिव चार्ज हो जाते हैं, इधर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बड़ा वोल्टेज बनता है, बड़ा वोल्टेज बनता है। वो वोल्टेज किधर ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो वोल्टेज किधर ड्रॉप नहीं हो रहा है। अगर किसी डिवाइस में से करंट फ्लो होता है ना, तो उस डिवाइस के अंदर वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ठीक है, किस जॉब में पढ़ाया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए जो सर्किट में चाहिए रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप होगा। 9 वोल्ट की बैटरी होती है, उसको हम गणपति के पीछे का पंखा चलाते हैं, तो पंखे के अंदर क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वो लोड है ही नहीं, तो वोल्टेज ड्रॉप किस में होगा, तो वोल्टेज बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, तो वोल्टेज बढ़ता जाता है। तो ये हो जाएगी वोल्टेज की आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा, जब वो ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप कब नहीं होगा, जब आपका सर्किट ओपन होगा, तो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसको बोलते ओपन सर्किटेड वोल्टेज, ओपन सर्किटेड वोल्टेज। अभी क्या करते, हटा देते इसको और डायरेक्ट ऐसी वायर ज्वाइन कर देते, इसको बोलते शॉर्ट करना, इसको बोलते शॉर्ट सर्किट करना। जब भी कोई डिवाइस शॉर्ट सर्किट होता है, मैंने आपको एसी सर्किट में बोला था कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर को चार्ज कर दो और एसी ज्वाइन कर दो वायर, तुरंत वेरी हाई करंट फ्लो होके सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप होके वापस क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है इसमें भी। ये क्या कर दिया अपन, निगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों को एकदम से शॉर्ट कर दिया, बैटरी के दो टर्मिनल को एकदम से शॉर्ट कर दिया, दोनों टर्मिनल को एकदम से शॉर्ट कर दिया। जब शॉर्ट करते हैं तो वेरी हाई करंट, वेरी वेरी हाई करंट फ्लो होता है, जितने भी चार्जेस प्रोड्यूस हुए थे जितने भी, वो सारे के सारे एक ही दम में ऐसे फ्लो हो जाएंगे, एक ही दम में, एक ही दम में अगर ज्यादा चार्ज फ्लो होता है तो वेरी हाई करंट फ्लो होता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तब हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। लेकिन हम सोलर सेल में क्या करते हैं, शॉर्ट भी नहीं करते हैं, ओपन भी नहीं, तो शॉर्ट भी नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा, तब कुछ ऐसा होगा, अगर इतना वोल्टेज होगा तो इतना करंट होगा, अगर इतना वोल्टेज होगा तो इतना करंट, ऐसा हमको ग्राफ मिलते रहेगा, बीच की कुछ वैल्यू मिलती रहेगी। तो ये है हमारा सोलर सेल का ग्राफ, वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं एक क्वेश्चन पे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं रफ करके आपको बताता हूँ कि सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड ही क्यों यूज करा करते हैं। ठीक है, और इस तो दोस्तों जो मटेरियल का चॉइस होता है ना, कि कौन से मटेरियल से हमको सोलर सेल बनाना चाहिए, तो मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस है सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड। सिलिकॉन एक एलिमेंट्री डायोड है, प्योर डायोड है, और ये जो है गैलियम आर्सेनाइड हमारा कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, तो ये दोनों ही क्यों यूज करते हैं। मान लो हमारा एक बैंड गैप पड़ा है आपने, बैंड गैप क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का, अगर उस सब्सटेंस का मैंने एक एटम लिया, उस एटम में इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस ऑर्बिट में होता है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, वो है इतनी। लेकिन जैसे ही मैं उसको कुछ एनर्जी दे दूंगा, कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दी मैंने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस बैंड में बैठा है, ठीक है, अभी तक मतलब वो एटम के वैलेंस ऑर्बिट में है, एटम के वैलेंस ऑर्बिट में मतलब ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन एक ही इसमें है, तो इलेक्ट्रॉन तब यहाँ पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन तब यहाँ पे होता है। मान लो इसको मैंने एनर्जी दे दी
फोटोन वाली एनर्जी मैंने दे दी इसको, तो जैसे ही इसको एनर्जी दे दी ये एक्साइट हो जाएगा, इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये जंप करके इधर चला जाएगा। अब ये जंप करके इधर कब जाएगा, अगर ये फोटोन ने दी हुई एनर्जी, एनर्जी बैंड गैप जितना हो, ये एनर्जी ऊपर वाली और नीचे वाली उन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। मान लो ये ईवी में भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देगा तभी ये भाई इसको तोड़ के इधर जाएगा। अगर 10 की इसने 14 भी दे दी, मतलब 14 भी कर दी, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट नहीं सकता। तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। तो इसमें वही हो रहा है, जब होल और इलेक्ट्रॉन एक साथ थे तो इलेक्ट्रॉन क्या था, वैलेंस ऑर्बिट में था। अगर उसको तोड़ना है तो ये जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन ने उसको इतनी एनर्जी देनी चाहिए कि वो एनर्जी बैंड गैप की जितना हो, एनर्जी बैंड गैप के जितना हो। अभी सुनना कि जो एनर्जी आ रही है फोटोन की वो किससे आ रही है, सनलाइट। अभी सनलाइट के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के रेडिएशन होते हैं क्या, तो नहीं, बहुत सारे टाइप के रेडिएशन होते हैं। लेकिन अगर सनलाइट का स्टडी करा जाए, मान लो सनलाइट 1000 रेडिएशन भेज रही है, कितनी रेडिएशन भेज रही है, 1000, और उन 1000 रेडिएशन का अगर हमने ग्राफ बनाया तो ऐसा होता है, ऐसा। मतलब क्या, 1000 में से मैक्सिमम जो नंबर है यहाँ पे नंबर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, जब हम उसको एनालाइज करते हैं सनलाइट को, तो मान लो 1000 रेडिएशन आए, ठीक है, या फिर 1000 फोटॉन्स आए, ऐसा समझ लो 1000 फोटॉन्स आए, 1000 फोटॉन्स में से 800 फोटॉन्स ऐसे होते हैं कि जिनकी एनर्जी होती है, जिनके पास एनर्जी कितनी होती है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 100-200 जो होंगे इधर आ जाएंगे और बाकी के इधर आ जाएंगे। तो सनलाइट में 80% जो रेडिएशन से, वो रेडिएशन के पास कितनी एनर्जी है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी है। तो अगर रेडिएशन उसी एनर्जी के है तो हमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं हम सनलाइट सेमीकंडक्टर डिवाइस का, या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो यूज कर रहे हैं सोलर सेल बनाने के लिए, वो मटेरियल का भी बैंड गैप कितना चाहिए, वो मटेरियल का भी बैंड गैप 1.5 या उसके आजू बाजू चाहिए, ठीक है, उसके करीब चाहिए। अगर हमारा ऐसा नहीं रहा तो क्या होगा, अगर वो मटेरियल जिसका बैंड गैप कितना होगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होना चाहिए, ये 1.1 या 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप होता है सिलिकॉन के लिए, और 1.53 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप हमारे गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो ये दोनों एकदम सही चॉइस है। अभी ये दोनों एकदम सही चॉइस क्यों है, मान लो अगर हमने ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करा जिसका बैंड गैप है 0.8 इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा, लाइट आ रही है, लाइट के पास 80% रेडिएशन ऐसा है जिसके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो ये रेडिएशन उसके साथ में कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, एक फोटोन उसके साथ में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी ला रहा है। जैसे ही आएगा जंक्शन पे, तो जंक्शन पे ये वाला ऑपरेशन होगा, पहले वैलेंस था पूरा एटम के फॉर्म था न्यूट्रल, बाद में क्या हो जाएगा, इधर होल प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया लाइट की वजह से। अभी ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी लेके बाहर हो जाएगा। लेकिन आईडी कितनी थी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी थी हमारी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी सफिशियंट है होल से सेपरेट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी सफिशियंट है 0.8, तो बस उसको उतनी एनर्जी मिली, उतनी खाली एनर्जी लेके वो निकल गया, और जैसे ही निकलेगा फिर यहां से फ्लो होना चालू हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन है, इंसिडेंट रेडिएशन है हमारा 1.5 का, इलेक्ट्रॉन ने उसमें से एनर्जी ली 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब ये लोड में से वो पास होगा तो लोड को कितनी एनर्जी देगा,
वो लोड को सिर्फ और सिर्फ 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ही एनर्जी देगा क्योंकि उसके पास उतनी ही एनर्जी है। तो आने वाली एनर्जी थी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन लोड तक, लोड रेजिस्टेंस तक कितनी एनर्जी पहुंची? लोड तक सिर्फ 0.8, बाकी की 0.7 किधर गई? बाकी की 0.7 हीट या अदर फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो ये नुकसान है, ठीक है। सोलर एनर्जी जो फुकट में मिल रही है वो इतनी आ रही है 1.5, लेकिन उस एनर्जी में से सिर्फ और सिर्फ कितना 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ही एनर्जी हम यूज कर पा रहे हैं, तो ये लॉस है। तो बैंड गैप जिसका 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो वाला मटेरियल हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आने वाली एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन मिलने वाली एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी पूरी एनर्जी लेने के बजाय इतनी एनर्जी में ही टूट जाता है और कंडक्शन में आ जाता है लोड में। मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो अभी एनर्जी है हमारा बैंड गैप जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो है हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल उसका बैंड गैप अभी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जो हमारी लाइट आ रही है उसके 1000 रेडिएशन में से 800 रेडिएशन कितने हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अगर ये मटेरियल ऐसा है आपका जिसके इलेक्ट्रॉन होल को सेपरेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी लग रही है, तो ये सोलर रेडिएशन जो है वो सेपरेट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन और होल को, और जब इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट नहीं होंगे तो करंट नहीं फ्लो होगा, लोड को कुछ भी नहीं मिलेगा, लोड को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमें दोनों चीजें देख के चलना है कि जितनी एनर्जी आ रही है पूरी की पूरी यूज हो, ठीक है, और जितनी एनर्जी आ रही है उसमें से कोई लॉस ना हो और सारी की सारी एनर्जी यूजफुल हो। तो ऐसा कब हो सकता है? जब हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा हो, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या फिर उसके करीब वाला, या फिर उसके करीब वाला, इधर वाला भी चलेगा, इधर वाला भी चलेगा, इतना पोर्शन चल जाएगा, लेकिन ये इधर ज्यादा नहीं, क्योंकि फोटॉन आने वाले है वो फोटॉन की संख्या बहुत कम हो जाती है, बहुत कम करंट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने में, कितने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले कितने फोटॉन है, 20 फोटॉन, तो 20 फोटॉन मतलब 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन का एसोसिएटेड करंट बहुत ही कम होगा, तो ऐसा नहीं चलता है। तो ये जो चॉइस है आपका सोलर सेल बनाने के लिए कौन से मटेरियल का चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो हमने देखा है सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, इनका जो बैंड गैप है वो 1.5 के करीब है, इसके लिए उसको हम यूज करते हैं, सही है। तो इस तरह से मटेरियल का चॉइस करा जाता है सोलर सेल बनाने के लिए। इसके एप्लीकेशंस क्या है? इसके एप्लीकेशंस से आप कैलकुलेटर में देख लो, स्ट्रीट लाइट में देख लो, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स और जो घर है अभी सोलर पे हम पावर कर सकते हैं, क्योंकि ये फुकट की एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी नेवर एंडिंग एनर्जी है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने को गवर्नमेंट भी हमें हेल्प करता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपके बुक में अच्छे से दिए हैं, आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मुझे समझाना था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।